टॉपर से पूछा कि तुम कितने घंटे पढ़ाई करते हो, उसने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा, जब तक मेरा बनाया गोल पूरा ना हो जाता तब तक, और उस गोल को पूरा करने के लिए भले ही मुझे अगले दिन की सुबह क्यों ना देखना पड़े। हेलो एवरीवन, फिनिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम डिस्कस करने जाएंगे आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी नीट 2021 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दोस्तों इस वीडियो को देखना, पूरा देखना ध्यान से, और आपको कुछ ऐसी चीज निकल के आएगी यहां पर जो आपको कम मेहनत में फ्रूटफुल बढ़िया रिजल्ट दे दे। हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी युद्ध के लिए, किसी जंग के लिए जाओ, तो प्रिपेयर्ड रहना वहां किस तरह की लड़ाई होने वाली है, और अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं तो आपको कोई नहीं हरा सकता। गलती कहां होती है? आप यहां बैठ के तलवार की प्रैक्टिस कर रहे हो और वहां पे तोपें चल रही है, तो आपका क्या हाल होगा आप खुद समझ सकते हैं। काम की बात पे आते हैं, सीधे सीधे हम बनाएंगे आज बेस्ट स्ट्रेटजी, कैसे आपको फोकस करना है, कैसे आगे बढ़ना है, और कैसे आप एक अच्छे बढ़िया मेडिकल सीट पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पेपर लेवल की। बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार पेपर लेवल कैसा होगा, इजी होगा, टफ? एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, पेपर का लेवल अगले साल हो सकता है इससे भी इजी आए, और नहीं तो इसके बराबर आएगा, इससे ऊपर ऐसा हार्ड लेवल नहीं आने वाला। दैट इज फॉर श्योर, पेपर इजी या तो फिर मॉडरेट लेवल का ही होगा। उसका रीजन है बताऊंगा मैं आपको। चलिए एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो एक्सपेक्टेड डेट बच्चों फर्स्ट वीक ऑफ मई है। फर्स्ट वीक ऑफ मई में एग्जाम हो जाएगी, कोई पोस्टपोनमेंट का कोई चांस नहीं है, ठीक है? कोई सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। हालांकि एनसीईआरटी का सिलेबस 12th के लिए कम हो चुका है, लेकिन नीट के लिए कोई सिलेबस का चेंज नहीं है, जो सिलेबस था वही रहेगा एज इट इज। अब स्ट्रेटजी बनाने के पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है और पढ़ना कैसे है। तो टोटल अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से देखूं तो फिजिक्स में 30 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 30 है, और बॉटनी जूलॉजी मिलाकर 38 चैप्टर, मतलब ओवरऑल ये 98 चैप्टर्स का सम हो जाता है हमारे पास। 98 चैप्टर्स, और मैं अगर आज की डेट से मई तक टाइम देखूं तो लगभग मेरे पास 7 महीने बाकी है। 7 महीने, 98 चैप्टर्स, 98 डिवाइडेड बाय 7 विल गिव यू 14। इसका मतलब आपको 14 चैप्टर्स पर मेहनत करना है। किन बच्चों के लिए? जिन बच्चों ने ड्रॉप ले रखा है, जिन बच्चों ने ड्रॉप ले रखा है आपको 14 चैप्टर्स करना है पर मंथ, और जिन बच्चों ने 12th में है अभी, उनको करना क्या है? उनको अपना सिलेबस 12th का दिसंबर तक किसी भी हालत में खत्म करना है, राइट? 3 महीने हैं, 3 महीने में दोस्तों जी जान लगा दो। आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं, छोटा सिलेबस है 12th का इन कंपेरिजन टू द 11th, तो आसान, आराम से दिसंबर के पहले पहले ही खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको करना क्या है बच्चों? आपको शुरू करना है अपना 11th का रिवीजन और 12th का रिवीजन और ढेर सारी प्रैक्टिस, ठीक है? चलिए, तो ये ड्रॉपर्स के लिए आपको बता रहे हैं, आपको तो प्रैक्टिस करना ही है, धनाधन प्रैक्टिस करना है। 14 चैप्टर्स आप कैसे कर सकते हैं? 14 चैप्टर्स मतलब आप उसमें मिक्स्ड ग्रुप बनाइए। मिक्स्ड ग्रुप के साथ, जैसे मान लीजिए एक चैप्टर आपने हार्ड लिया, हार्ड मतलब मैं बोल रहा हूँ लेंथी बोल, ठीक है? एक चैप्टर आपने लेंथी ले लिया जिसको कंप्लीट करने में हो सकता है आपको एक वीक लग जाए, और दूसरे दो चैप्टर आप इजी ले लो, ठीक है? तो इजी मॉडरेट का ऐसा ग्रुप बनाओ या आपको खुद करना है प्लानिंग, और आपको मिनिमम 14 चैप्टर्स पर मंथ खत्म करना ही है। ऑन एन एवरेज 2 दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होते हैं जो 2 घंटे में खत्म हो जाते हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो 1 दिन में खत्म हो जाते हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें 1 वीक लगता है। जैसे मैं जीओसी की बात करूँ, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स में बात करूँ रोटेशनल डायनेमिक्स की, तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनमें आपको काफी समय लग सकता है, ठीक? चलिए, अब तो ये आपको टाइम जितना बचा हुआ है उस हिसाब से आपको मैनेज करना है चीजें। अब दोस्तों ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो आपको बेहद कारगर सिद्ध हो जाएंगे, आपको मजा आ जाएगा सुन के कि हाँ यही स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करूंगा तो गारंटीड बहुत अच्छे नंबर ला पाऊंगा।
पहला पॉइंट है बच्चों, आपको एनसीईआरटी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। मैं क्यों एनसीईआरटी पे फोकस करने का बोल रहा हूँ, क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कि क्या मेडिकल सीट उन्हीं बच्चों को मिल सकती है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रांग बच्चा ही बड़ी बड़ी कोचिंग में जाके मोटी मोटी फीस पे करेगा। एक नॉर्मल साधारण बच्चा या जो एक गरीब बच्चा है वो इतनी फीस तो पे नहीं कर पाएगा। इसका मतलब वो उस लेवल की प्रिपरेशन कर ही नहीं पाएगा जिस लेवल के प्रिपरेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तब उन्होंने एक बढ़िया सोल्यूशन निकाला, उन्होंने ये सोल्यूशन निकाला कि पेपर के लेवल को कर देते हैं मॉडरेट या मॉडरेट से कर देते हैं इजी। इजी करने से क्या फायदा होगा, अब कंपटीशन सबके लिए बराबर हो जाएगा। अगर आप घर पे भी बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आई कैन गारंटी यू, यू कैन गेट अ वेरी गुड मेडिकल सीट। बस आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी है बच्चों। आपको कोई जरूरत नहीं बड़ी बड़ी कोचिंग में जाके ज्यादा ज्यादा फीस देने की। आप खुद सेल्फ स्टडी से, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग से आसानी से आप बहुत अच्छे रैंक पा सकते हैं। तो फोकस करना है आपको एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का एक एक शब्द आपको याद होना चाहिए बच्चों, रिवाइज भी करना है आपको बहुत सारी बार। फिजिक्स पर्टिकुलर की बात करूं तो फिजिक्स में जो बच्चों को टफ लगता है, 35 क्वेश्चंस इस साल एज इट इज उठ के आए हैं नीट के एग्जामिनेशन में, राइट। तो बाकी जो 10-12 क्वेश्चन है, 35-36 के आसपास क्वेश्चन आए हैं, तो बाकी जो 10-12 क्वेश्चन है वो आप कहां से कर सकते हैं, वो आपको एग्जाम्पलर आती है इसकी, एग्जाम्पलर से कर सकते हैं या फिर किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट का आप मॉड्यूल ले लीजिए बच्चों, राइट। मॉड्यूल हर जगह अवेलेबल हो जाता है, आपको बहुत जगह अवेलेबल करा देंगे मॉड्यूल्स, तो आप वहां से ले सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए तो टेलीग्राम चैनल में भी आपको काफी सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। पढ़ने के लिए काफी सारी चीजें हैं, लेकिन आपको भटकना नहीं है। किसी भी एक या तो कोचिंग का आप मॉड्यूल ले लीजिए या फिर कोई भी ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल लेकर अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा आपको मेन फोकस एनसीईआरटी पर ही करना है। अगर ये हो जाए तो अभी उसके आगे बढ़ना। बच्चे क्या करते हैं, अपने घर को लाइब्रेरी बना लेते हैं, ये बुक खरीद ली, वो बुक खरीद ली, अध्ययन की सीरीज खरीद ली, ये खरीद ली, ढेर सारी बुक खरीद ली, अब खरीद के रख ली, अब कंफ्यूज होते हैं ये पढ़ू ये पढ़ू ये पढ़ू ये पढ़ू कौन सी पढ़ू। बिल्कुल प्रैक्टिकल सिचुएशन बता रहा हूं, बच्चों के साथ यही होता है। ढेर सारी बुक खरीद लेंगे, कोई टीचर बोलेगा ये खरीद लो, कोई टीचर बोलेगा ये खरीद लो, ये बढ़िया है वो बढ़िया है, दोस्त बोलेंगे मैं तो इससे पढ़ता हूं, तो बस उस चक्कर में अपन अपनी किताबें खरीदते आते हैं और एक भी किताब कोई बच्चा पूरी नहीं पढ़ता। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक किताब खरीदो और उसको पूरी पढ़ो, सबसे पहले एनसीईआरटी। सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, बायो के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों चारों सब्जेक्ट के लिए आपको एनसीईआरटी पे फोकस करने के बाद ही बच्चों आगे बढ़ना, उसके पहले मत बढ़ना, ठीक है। चलिए, तो यहां पर भी आपको इकोनॉमिक दिख रहा होगा कि सब कुछ अभी तक फ्री में चल रहा है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं। देखो, सेल्फ स्टडी इज द की टू सक्सेस भाई, जितनी मेहनत करोगे, जितना हार्डवर्क करोगे, आपको मजा आ जाएगा उतना ही। बस ये है कि ईमानदारी से करना होगा, कुछ नहीं, राइट। आपको लगभग 8-10 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी 8-10 घंटे बच्चों डेली चाहिए ही चाहिए। उसमें आप क्या करेंगे, उसको आप पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? लगभग 5-6 घंटे आप वीडियो लेक्चर पर फोकस कीजिए, राइट। लेक्चर्स, अगर आप वीडियो लेक्चर देखते हैं तो वीडियो लेक्चर देखिए, और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में हैं, कहीं एनरोल कर रखा है तो अपनी आप कोचिंग से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं मना नहीं करूंगा कि आप कोचिंग जा रहे हैं तो कोचिंग जाना छोड़ दो, नहीं। आप अगर जा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप कोचिंग जाइए। देखो, कोचिंग में क्या होता है ना, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड नहीं है, राइट, अगर आपको पकड़ पकड़ के बिठाना है पढ़ने के लिए, तो आपको फिर कोचिंग प्रेफर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपको एक हैबिट डाल देते हैं कि हाँ, आपको इतने टाइम पे आना है, पढ़ना है, बैठना है, सीखना है। नहीं तो सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, आप अपने घर पे बैठिए, बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बहुत सारी साइट्स अवेलेबल है जहां पे आपको फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे। मैं आपको फिजिक्स के पूरे लेक्चर्स धीरे धीरे प्रोवाइड करने की 100% कोशिश करूंगा। फिजिक्स के फंडे हमारा चैनल आपको बताएंगे। चलिए, उसके बाद करना क्या है, 2-3 घंटे डेली आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। अगर आपने क्वेश्चन
थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की, तो बच्चों वेस्ट हो जाएगा काम। आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है लगभग लगभग 3 घंटे के आसपास, 2 से 3 घंटे आपको डेली क्वेश्चन करना है। और क्वेश्चन करने की स्ट्रेटेजी बनाओ, टाइम लिमिट से करो। आप एक स्टॉपवॉच ले लो, आप देख लो कि बायो के क्वेश्चन कर रहा हूं मैं तो 45 मिनट में लगभग मेरे को 45 क्वेश्चन हो जाना चाहिए। केमिस्ट्री कर रहा हूं तो 1 घंटे में 45 क्वेश्चन हो जाना चाहिए। फिजिक्स कर रहा हूं तो 1 से 1.5 घंटे में 45 क्वेश्चन हो जाना चाहिए। धीरे 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 करके आपको क्या करना है, आपको टाइम को रिड्यूस करते जाना है। ठीक है, तो जो टाइम आपको शुरू में 1.5 घंटा लग रहा था उसको घटाते घटाते आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ाइए। ठीक बात चलिए। उसके बाद आता है बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बच्चों टारगेट कितना रखना है। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि यार मेरा 5 मेरा पेपर अच्छा जा रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, 550 प्लस आ रहे हैं, 500 नंबर आ रहे हैं, 600 नंबर आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन पक्का है। गलत सोचते हैं बहुत सारे बच्चे, इस चक्कर में ही इस बार पिछड़ जाएंगे और हो सकता है अगर सेम मिस्टेक रिपीट की तो आगे आने वाले एग्जामिनेशन में ही पिछड़ जाएंगे। होता क्या है ना, जब मेरे पेपर अच्छा जा रहा होता है तो मैं फिर रिलैक्स हो जाता हूँ कि यार मेरे 20-30 क्वेश्चन अच्छे हो गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन पक्का। नहीं बच्चों, आपका सही हुआ है इसका मतलब आपके साथ जितने बच्चे कॉम्पिटिशन में है उनका भी सही हुआ है। तो आपकी कॉम्पिटिशन सबके साथ है, जितने 10, 12, 15, 16 लाख बच्चे बैठे हुए हैं सबके साथ आपकी कॉम्पिटिशन है, और आपको एंड तक हिम्मत हारे बिना सॉल्व करते जाना है और सही आंसर निकालते जाना, आपको दूसरों से आगे बढ़ना है। तो आप इस बार का देखेंगे तो कट ऑफ काफी हाई जाएगा, अगली बार का भी सेम वैसा ही होगा। कट ऑफ जो नॉर्मल ट्रेंड चलता आ रहा है, अगर आप उसी ट्रेंड से पढ़ते रहे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको टारगेट रखना है 650 प्लस। बच्चों इतने मार्क्स तो कंपलसरी है ही है, अदरवाइज कुछ होने जाने वाला नहीं। अब 650 प्लस मतलब आपको फिजिक्स में 150 के ऊपर तो लाना ही लाना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको 150 लाना। सिमिलरली अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में आपको लगभग 160-165 से ऊपर नंबर लाने ही पड़ेंगे तभी काम हो पाएगा। इसका मतलब आपकी एक्यूरेसी और स्पीड पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पेपर का लेवल इजी आने वाला है इसलिए। सिमिलरली अगर मैं बायो की बात करूं तो बायो आपको लगभग 340 प्लस, बच्चों 340 प्लस स्कोर करना ही करना है। एनसीईआरटी पढ़ोगे आराम से स्कोर हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं, मैं कोई बड़ा डेटा नहीं लिख रहा हूं, लेकिन करंट ट्रेंड के हिसाब से और फ्यूचर गोल को देखते हुए आपको ये अपने दिमाग में सेट करना है सीन की हाँ इससे कम तो बात नहीं बनेगी, इतने तो मिनिमम चाहिए। अब आप बोलोगे यार सर ये तो 720 में से आप 650 तो एकदम हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहे। नहीं कर रहा हूं, अगर आपको एक बहुत बेहतरीन कॉलेज चाहिए तो आपको इतनी मेहनत तो करनी होगी, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो बच्चे 700 मार्क्स लेके आ रहे हैं, 650 प्लस लेके आ रहे हैं, वो भी आपकी तरह ही मेहनत कर रहे हैं, बस वो ये है कि वो फोकस्ड हैं और स्ट्रक्चर प्लानिंग है हमारे पास, उनके पास डेली टाइम टेबल बना हुआ है। राइट, तो डेली टाइम टेबल बना बना के आप अच्छे से प्लानिंग कीजिए, लेकिन आप ये मत कीजिए कि डेली टाइम टेबल बनाने में या वीकली टाइम टेबल बनाने में, मंथली टाइम टेबल बनाने में आपने टाइम वेस्ट कर दिया। आप टाइम टेबल बना के पढ़िए, बिल्कुल टाइम टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन टाइम टेबल बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप सारा टाइम उसी में लगा दो। टाइम टेबल आपका 1 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए कि आज मेरे को ये करना खत्म, और बस उसके ऊपर लग जाओ। जब तक आपका वो टारगेट पूरा नहीं होता उस दिन का, तब तक आपको सांस नहीं लेना है चैन की। ठीक बात चलिए। अब आपको करना क्या है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं जो आपको दूसरों बच्चों के ऊपर एज दे देगा। बच्चों आप गारंटी दूसरे बच्चों से आगे निकल जाएंगे, ज्यादा स्कोर कर पाएंगे अगर आपने ये वाली पॉइंट को ध्यान से सुन लिया तो, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब होता है ना, यूजुअली बायो वाले बच्चे को, मेडिकल वाले बच्चों को फिजिक्स से लगता है डर, वो सोचते हैं यार फिजिक्स में बस की बात नहीं है, इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन है, माथा बच्चा ये बहुत सारी समझ में नहीं आता, करना क्या है, करना कैसे है, टफ लगता है थोड़ा, तो क्यों ना मैं इसे छोड़ दूं, ये ऐसे कम फोकस दूं, कम प्रायोरिटी दूं और मैं बायो या दूसरे दो सब्जेक्ट में एक्सेल कर लूंगा। नहीं, अगर आपने ये सोच बना ली तो आप आउट ऑफ द रेस हो गए, आप दो मत एकदम, कोई मतलब ही नहीं आपका देने का। होता क्या है मैं बताता हूँ बच्चों, इस बार पेपर इजी है,
अगली बार भी पेपर इजी आएगा, पेपर इजी आते जाएंगे, ऐसे ही पेपर आएंगे, लेकिन आपको तीनों सब्जेक्ट को, मतलब टोटल चारों सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना है और सब में मार्क्स लेके आना है। माना मैंने कि फिजिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बायो बच्चों के लिए और उसके बाद जाता है केमिस्ट्री और इजी पड़ता है बायो, लेकिन आपको अपनी स्टडी का 40% टाइम फिजिक्स को देना है शुरुआत से। अगर आप शुरुआत से सब्जेक्ट को टाइम दोगे ना तो डेफिनेटली बात बनेगी। इफ यू लव द सब्जेक्ट, इफ यू गिव टाइम टू द सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट विल लव यू बैक, राइट। किसी को भी प्यार देना हो ना उसे समय दो। आप समझ गए होंगे बच्चों, आप समझदार हो। तो समय अगर आपने फिजिक्स को दे दिया, समय आपने 40% समय अपनी केमिस्ट्री को दे दिया, तो बस बात बन गई आपको, फिर आपको एक अच्छा टारगेट, एक अच्छा स्कोर पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्कोर अचीव करना, और उसके लिए आपको ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो आपको 40% टाइम केमिस्ट्री को और 40% टाइम फिजिक्स को देना है, और आपका जो बचा हुआ 20% टाइम है, जो भी आप प्लानिंग करते हो, उसका 20% टाइम आपको बायो को देना है। अब क्या होता क्या है ना, बायो को अगर आपने 20% टाइम में दे दिया तो आप काफी इफेक्टिव रिजल्ट निकाल पाते हो, काफी सारी चीजें पढ़ पाते हो। 20% टाइम बायो के लिए बहुत होता है। एग्जामिनेशन में बच्चे बायो बहुत फास्ट कर लेते हैं लेकिन उनको टाइम लगता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो आप जब प्रिपरेशन करें बच्चों, तब भी ध्यान रखना है कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री को प्रिपरेशन के टाइम भी ज्यादा टाइम देना है शुरुआत से। और अगर आप शुरुआत से ज्यादा टाइम देते आओगे तो आपको एंड में बर्डन नहीं आएगा, और अगर एंड में बर्डन नहीं आएगा तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। आप ये नहीं सोचोगे कि यार ये सब्जेक्ट बेकार है, मेरे से बनते नहीं है, मेरे से होता नहीं। आपसे होने लगेगा, सब कुछ होगा, बहुत बढ़िया होगा, आपको काफी चीजें समझ में आएगी। तो एंड में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा बच्चों, खामोशी से बनाते रहिए पहचान अपनी, खामोशी से बनाते रहिए पहचान अपनी, हवाएं खुद ही गुनगुनाएगी नाम तुम्हारा। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। Physics. Yeah.